धनी साहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले तो भी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तभी भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे को इस परेशानी से छुटकारा पा सके और सुख और शांति से जी सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बताओ आपत्ति क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। साहूकार ने कहा, महाराज आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक समस्या है और समस्या यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह दौलत मेरी कमाई हुई 7 पीढ़ियों के लिए काफी है, केवल 8वीं पीढ़ी की चिंता है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूँ। साहूकार चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आया। उस कुटिया में एक दरवाजा भी नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी, अभिभूत थी। साहूकार के पैरों की आहट से बूढ़ी माई की साधना टूट गई। उसने ऊपर देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माजी मैं आपको चावल देने आया हूँ, यह चावल लो तब मैं जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैंने कहा था चावल ले आओ, क्या मैंने तुम्हारे आगे हाथ फैलाया था? नहीं है ना, फिर चावल क्यों लाए? यह पोटली उठाओ और जाओ। तब साहूकार ने कहा कि उस वृक्ष के नीचे बैठे साधु ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। उसने कहा कि जाओ और साधु से कह दो कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि 3रे दिन चावल तुम्हारे काम आएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु मेरे 3रे दिन की चिंता न करें। बुढ़िया बोली, उस साधु से कह देना कि मेरे 3रे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ डालकर जप करने के लिए बैठी हूँ। यह सुनकर साहूकार गठरी लेकर लौट आया। वह गठरी साधु के सामने छोड़कर जाने लगा। साधु ने उसे पुकारा, अरे सज्जन, आप समस्या लेकर आए हैं, है ना? मैं आपको इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। साहूकार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मुझे उत्तर मिल गया। 3रे दिन चावल न होने पर भी वह बुढ़िया प्रसन्न रहती है और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता और भरोसा रखता है कि ईश्वर कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, तब मैं समझ गया कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मुझे इस बेकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी हमें यह समझाती है कि जो हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए, उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में बेवजह चिंता करके हमें अपनी खुशी और शांति नहीं खोनी चाहिए।